हाय एवरीवन, आज पार्ट टू लेके आया हूँ कि फुल टॉस सुनाई दे रही है। इतने कमेंट कर रहे हो आप लोग, तो आज फुल टॉस की समाधान दे रहा हूँ कि फुल टॉस कैसे कम करें और एक टप्पे पे बॉल कैसे डालें। वन ऑफ द वेरी बेस्ट ड्रिल देने जा रहा हूँ, दो ड्रिल ऐसी कि अगर ये कर ली ना तो आपकी जो ये समस्या है ना काफ़ी हद तक काफ़ी परसेंटेज वाइज इम्प्रूव होगी। और मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, आप ड्रिल करना एंड देन 10 से 15 दिन बाद कमेंट करना और खुद बताना सर कि कैसा फील हो रहा है, कितना हद तक कंट्रोल ये चीज़ें। तो गाइज, बिना किसी ज़्यादा लंबी बात के सीधा टॉपिक और ड्रिल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले एक ही बात कहूँगा, तुम इतने लोग आ रहे हो, इतनी चीज़ें दे रहा हूँ और एक वीडियो बहुत कमाल की मैंने जो अभी डाली है ना, देखा ना आपने, वो क्या बॉलर है, कमाल का बॉलर है और वो बहुत वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर राज करने वाला लड़का है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा, अगर उसको किसी ने छेड़ा नहीं, बिकॉज वो मेरे से बहुत दूर है। तो गाइस, उस बात को यहीं पर स्किप करते हैं। सबसे पहले कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम आया है, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आप कोचिंग के टच में रहें और आपको हर कुछ सीखने को मिलते रहे। तो सीधा ड्रिल पे आ जाते हैं, आ जाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात फुल टॉस जाती क्यों है। देखिए, फुल टॉस जाने का सीधा सा कारण क्या है, आपकी फॉरवर्ड फिनिश अच्छी नहीं है, आप बॉडी को अच्छा फिनिश नहीं कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे अच्छा आ नहीं रहे, दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, बॉल फुल टॉल हो रही है, फुल टॉस हो रही है और बैट्समैन भी फुल टॉल दे रहा है, फुल टॉस बना रहा है बाउंड्री के बाहर और फिर आप भी फुली डिप्रेस्ड हो रहे हो। तो उस डिप्रेशन को आज खत्म कर देते हैं। दो ड्रिल दूंगा, ये दोनों ड्रिल ना आपके लिए सोने पे सुहागा है, मैं गारंटी कह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फिनिश को अच्छा करने के लिए, देखिए फिजिकली तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये जो ड्रिल है ना, आपकी टाइमिंग, आपकी बॉडी ट्रांसफ़र के लिए बहुत कमाल की ड्रिल है। जब ये चीज़ होगी तो फुल टॉस बॉल में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। स्टांस लेना एज इट इज़, ठीक है, स्टांस लिया ये, और आपको कोर पर थोड़ा सा लोड फील करना है, थोड़ा फील लेना है। ये देखिए, ये, और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, छोटे बच्चे अगर इस ड्रिल को कर रहे हैं ना तो थोड़ा नज़दीक आ जाना, लाइक दिस 12 टू 15 यार्ड्स एंड फिनिश लाइक दिस, बैलेंस, मेंटेन योर बैलेंस एंड ऑलवेज फोकस ऑन योर टारगेट एंड देन। ये तो हो गई फर्स्ट ड्रिल की बात, और इसमें आपने बॉलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी लिमिटेशंस, की आप कितनी देर एक काम में मन लगा के कर सकते हैं। मैक्सिमम मैं कहूँगा एवरेज इसमें तो 50 से 60 बॉल आप ऐसे डेली करेंगे ना, तो कमेंट करके खुद बता देना काम कैसा बना है। अब दूसरी ड्रिल पे आते हैं। दूसरी ड्रिल इसी को मैंने इम्प्रोवाइज की है। देखिए, नॉर्मल स्टांस एंड देन इसमें क्या आपको पूरा फिनिश करना है, इमरान चल रहा है, पूरा फिनिश करना है ये लाइक दिस, पूरा फिनिश, देखिए फॉलो थ्रू लाइक दिस, फॉरवर्ड फॉलो थ्रू। और जो बच्चे छोटे हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, जिनको एक महीना हुआ है, जिनको दो महीने हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा लर्निंग स्टेज पे हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा इजी वे में वर्क बता देता हूँ। थोड़ा नज़दीक आ जाना है और यहाँ से स्टांस लेना एंड देन फिनिश योर सेल्फ, फिनिश योर सेल्फ, इन्जॉय योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स अ की पॉइंट्स, की फैक्ट इन योर लाइफ फॉर एज ए गुड लेग स्पिनर, एज ए बडिंग लेग स्पिनर। और अगर आपने अच्छी कामयाबी पानी है ना, तो माइंड से आपको क्लियर रहना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव ऐसा होना चाहिए कि मनी मन ये सोचना है बॉलिंग करूँगा ना तो सामने इंडिया प्लेयर भी होगा, उसको भी खेलना दूंगा। अगर ये चीज़ रखते, ये थॉट प्रोसेस होता है तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 6 महीने बाद, आज नहीं तो 1 साल बाद, आपकी स्किल, आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसे आप वर्कआउट करते हैं, वैसे ही रिएक्ट करता है, वैसे ही एक्शंस लेता है, और वो चीज़ ऑटोमेटिकली सही रिएक्शंस को क्रिएट करती है एंड देन आप अच्छी क्वालिटी अचीव करने लग जाते हैं। आई होप, आज मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको टिप्स, ट्रिक्स एंड ड्रिल्स दिए हैं और थोड़ा सा मेंटल काउंसलिंग कर दी है, तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक ही बात कहूँगा यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी बेस्ट ड्रिल दे रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलती है, कहीं कोई ऐसे नहीं समझाता है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना इस वे में कि आपको और क्या मैं दे सकता हूँ और क्या आपको रिक्वायरमेंट है, कि एवरी वन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स, टेक्निक, स्ट्रेंथ। तो मैं चाहता हूँ मुझे कुछ अलग मिलेगा तो वीडियोस और अच्छी बन सकती है और अच्छी अलग टॉपिक पे वीडियोस आ सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शेयर ज़रूर करें, काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, उनके 2 से 3, 4, 5 साल बर्बाद होते हैं, देन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेंटल लेवल पे, एक टाइम वेस्ट होता है, सब कुछ वेस्ट होता चला जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन बच्चों के टाइम को भी बचाया जाए, तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड आज के लिए इतने, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।